हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन में पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। डेटा रिडक्शन क्या होता है कि हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा साइज को रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो उसका जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए जो उसके ओरिजिनल डेटा से। अब यहाँ पे आपका बहुत सारे मेथड्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेटा क्यूब एग्रीगेशन पहला मेथड है आपका। इसमें हम इसमें डेटा को क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, समराइज्ड फॉर्म में करते हैं। ये हमारा क्या होता है, डेटा क्यूब की फॉर्म में आपका क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। डेटा क्यूब आपके बेसिकली क्या होते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल व्यू दिखाते हैं, मतलब क्यूब्स की फॉर्म में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका ईयरली डेटा है किसी कंपनी का, यहाँ पे 2002, 2003 और 2004। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सेल्स दिखा रहा है कोई भी प्रोडक्ट की, ये Q1, Q2, Q3 और Q4 क्वार्टरली दिखा रहा है। अगर आप इसको समराइज्ड करोगे तो कैसे करोगे, आप इनको क्या कर दोगे, एड ऑन कर दोगे। तो 2002 का जो डेटा है इनको एड ऑन करके क्या मिल जाएगा, आपका एनुअल डेटा। नेक्स्ट ऐसे 2003 का, 2004 का। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैंने क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया 2, 3, 4, 2002 ईयर का, 2003 ईयर का, 2004 ईयर का। अब जब मैंने उसको एग्रीगेट करा, ये आपका सेल्स डेटा हो गया। अब मैं इसको डेटा क्यूब एग्रीगेशन की फॉर्म में क्या करती हूँ, डेटा क्यूब की फॉर्म में क्या करती हूँ, इसको फिर से एग्रीगेट करती हूँ। वो कैसे एग्रीगेट होगा, यहाँ पे मैंने क्यूब्स की फॉर्म में क्या बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या लिखे, ईयर लिखे 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या है आपके आइटम टाइप, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, फोन एंड लैपटॉप। यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू ले लेती हूँ 518, 60 और 200। तो यहाँ पे आपका बताएगा कि 2002 में जो प्रोडक्ट है कंप्यूटर, उसका जो सेल आउट कितने हुए हैं, वो 518 सेल आउट हुए हैं। ऐसे फोन कितने सेल आउट हुए, 60। लैपटॉप कितने सेल आउट हुए, 200। ये आपकी ब्रांचेस हैं ए बी सी। तो इस जो इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल व्यू। ये हम आपका बेसिकली क्या है, डेटा क्यूब एग्रीगेशन। यहाँ पे क्या है, ये डेटा क्यूब की फॉर्म में दिखा रहा है। आप एक ही व्यू में आप क्या पता लगा सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि किस ईयर में एनुअल सेल कितनी हुई है और किस आइटम की कितनी ज्यादा हुई है। नेक्स्ट आपका आता है, सेकेंड टेक्निक आती है आपकी डायमेंशनलिटी रिडक्शन। यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो आप डेटा साइज को भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सेम वही लॉजिक है कि आप डेटा साइज को रिड्यूस कर रहे हो। आप कैसे डेटा साइट को साइज को रिड्यूस कर रहे हो, जो भी आपके रिडंडेंट एट्रीब्यूट हैं, जो बार बार बेसिकली क्या हो रहे हैं, रिडंडेंसी आप ऐसे कह सकते हो कि एक डेटा बार बार आना, या एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट्स बार बार आना, तो उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। कैसे करोगे, ये दो टाइप्स के डेटा होते हैं आपके, लॉसी डेटा एंड लॉसलेस डेटा। लॉसी डेटा आप ऐसे बोल सकते हो और लॉसलेस डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे आपने कंप्रेस कर दिया डेटा को, तो ये आपका क्या है, कंप्रेस्ड डेटा। यहाँ पे आपने क्या करा, ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। तो अगर आपका जो कंप्रेस्ड डेटा है, जब आप ओरिजिनल को कंप्रेस कर दोगे डेटा को, अगर आपका जो कंप्रेस डेटा को अगर आप दोबारा से ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में लाना चाहते हो, कंप्रेस करना चाहते हो, और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता, दैट इज लॉसलेस, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, उसको अनकंप्रेस्ड करते हो, तो आपका ओरिजिनल डेटा नहीं आ पाता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉसी। आप तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब हम ओरिजिनल डेटा को कंप्रेस्ड करते हैं, तो लॉसी डेटा में क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन परमानेंटली एलिमिनेट हो जाती है, या ये जो चीज लिखी है परमानेंटली एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन लॉसलेस डेटा में क्या होता है कि ओरिजिनल डेटा की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, वो रिकवर्ड हो जाती है। और इसीलिए हम पढ़ेंगे अब जो इसकी टेक्निक्स हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन की, वो कौन सी है, वेवलेट ट्रांसफॉर्म एंड पीसीए। तो वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका, वेवलेट आपका मैथमेटिकल फंक्शन है जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में और इमेज कंप्रेशन में काम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर एक्स होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्स डैश में। हम इसमें लीनियर सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक लगाते हैं। एक हमारे पास क्या होता है कि डेटा वेक्टर एक्स होता है, फिर उसको हम एक्स डैश में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो किससे कन्वर्ट करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से। यहाँ पे हम जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है वो होता है फॉरियर ट्रांसफॉर्म। जो एक्स डैश है उसको हम बोलते हैं वेवलेट कॉफिशियंट, वेवलेट कॉफिशियंट। अब जो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे आपके यहाँ पे होते हैं टपल्स होते हैं, रोज होती हैं, और उनकी क्या होती है, एन मेजरमेंट्स होंगी, और एन मेजरमेंट्स के आपके क्या होते हैं, एन डिफरेंट डेटाबेस एट्रीब्यूट्स होंगे। तो यही जो है इसमें जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि ये आपका नॉइस को रिमूव कर देता है।
आपको स्मूथ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब डेटा को क्लीन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसमें जो भी नॉइसी डेटा है वो खुद पे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा बाय द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये इसके दो एग्जांपल्स हैं जो इस डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म के दिए गए हैं, ये है हार टू एंड द ओबीसी फोर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पीसीए का दूसरा नाम ये होता है, इसमें क्या करते हैं हम, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाते हैं जो हमारे डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए काम होता है, लेकिन हम उसकी जो एक्यूरेसी है, डेटा की जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करके चलते हैं, उसको सेक्रीफाइस हम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जो भी डायमेंशंस होती हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम वहां पे क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारे पास डेटा सेट होगा, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे जो इंटर रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। अब उसे हमें क्या करना है, इनकी जो वेरिएबल को है, वेरिएशंस जो है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं, जो भी वेरिएशंस इसमें प्रेजेंट हैं, हम क्या करते हैं डेटा सेट में, हम इनको क्या करते हैं, रिटेन करते हैं उसकी क्वालिटी को। कैसे रिटेन करेंगे, कोई हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक न्यू डेटा सेट मिलेगा, और जो न्यू डेटा सेट मिलेगा वो हमारे जो न्यू कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, पीसीएस, मतलब ये हमारा क्या है, एक कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे सपोज हमें मिला एक कंपोनेंट पीसी वन, दूसरा मिला हमें पीसी टू, लेकिन ये जो दो कंपोनेंट होंगे वो अनकोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से, अनकोरिलेटेड। अब ये जो होंगे, ये जो फर्स्ट फ्यू जो होंगे वो आपका क्या करेंगे, ये जो मतलब पहले जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे, मोस्टली प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे इसकी। जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनको वो क्या करेगा, छोटे छोटे स्मॉलर सेट में क्या बना देगा, उनको डिराइव्ड वेरिएबल्स बना देगा जो इंडिपेंडेंट से डिराइव्ड हुए हैं, फिर उनको क्या कर देगा, एक समराइज फॉर्म में डेटा को फॉर्म कर देगा। एक और चीज, जो आपके जो पीसीए बने थे, पीसी कंपोनेंट बने थे, पीसीएस वन पीसीएस टू, वो आपका क्या होगा, पीसीएस वन का जो भी वेरियंस है वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा किससे, पीसीएस टू से। ऐसी सेम पीसीएस टू का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट टू है उसका जो वेरियंस है वो ग्रेटर होगा पीसीएस थ्री से, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये फिगर है, यहाँ पे क्या है, मैं इसको दोबारा से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट किया है, जो पीसीए वन कंपोनेंट था वो हमारा ये रहा जिसको हमने बोल दिया वाई वन, और एक हमारा था पीसी टू जिसको हमने बोल दिया वाई टू, इसको हमने प्लॉट किया। यहाँ पे आपके कुछ डेटा सेट्स थे जो पीसी वन और पीसी टू में आ रहे थे, और इसको ही हम पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं, पीसीए, क्योंकि हमें दो कंपोनेंट मिले पीसी वन और मिले पीसी वन एंड पीसी टू, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पीसीए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।